नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रुकमणी करंट अफेयर बुक के नए एडिशन में दिए गए 600 MCQ प्रश्नों को, जो मार्च 2023 से लेकर जून 2023 तक के प्रश्नों को कवर करते हैं। दोस्तों वीडियो के माध्यम से दिए गए कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रुक्मिणी करंट अफेयर बुक के लास्ट एडिशन की वीडियो में हमने फरवरी 2023 तक के MCQ प्रश्नों को कवर किया था। इसके बाद जो ये बुक है ये 4 महीने के बाद अपडेट होकर आई है, जिसमें हमें मार्च 2023 से लेकर जून 2023 तक के MCQ प्रश्नों को दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम जल्दी से इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिए गए हैं मार्च 2023 के MCQ प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे सामने, 1 मार्च 2023 को गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड ने किसे GIL केमिकल्स बिजनेस का CEO नामित किया है? आंसर है इसका विशाल शर्मा। आंसर है इसका विशाल शर्मा। 1 मार्च 2023 को गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड ने किसे GIL केमिकल्स बिजनेस का CEO नामित किया है? विशाल शर्मा को। दूसरा प्रश्न है, 1 मार्च 2023 को पत्र सूचना कार्यालय PIB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका राजेश मल्होत्रा। आंसर है इसका राजेश मल्होत्रा। 1 मार्च 2023 को पत्र सूचना कार्यालय PIB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजेश मल्होत्रा को। 1 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ हुआ? ऋषिकेश से। 1 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ हुआ? आंसर है इसका ऋषिकेश से। दोस्तों 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय जो योग महोत्सव है वो मनाया गया है। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया है। 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाने की जो है शुरुआत की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाने की शुरुआत की गई थी 2015 से। और 2014 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका जो प्रस्ताव जो भेजा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का, और 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने इस विचार को, भारत के विचार को प्रस्तावित कर दिया था और मान लिया था। तो उसके बाद 2015 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। और 2015 से ये मनाया जा रहा है और 2023 में ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया गया था इस बार। 2 मार्च 2023 को 8वें रायसीना संवाद के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर है इसका जियोर्जियो मेलोनी। जियोर्जियो मेलोनी। 2 मार्च 2023 को 8वें रायसीना संवाद के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? जियोर्जियो मेलोनी। 2 से 4 मार्च 2023 तक पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। आंसर है इसका नई दिल्ली में। छठा प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को। आंसर है इसका रश्मि शुक्ला को। पूर्व भारतीय राज्य नायक चंद्रशेखर दास गुप्ता का 2 मार्च को निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 में। आठवां प्रश्न दोस्तों, नागालैंड चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली विधानसभा सदस्य कौन बनी है? हेकानी जखालू। हेकानी जखालू। नागालैंड चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली विधानसभा सदस्य कौन बनी है? हेकानी जखालू। दोस्तों ये आप जरूर याद रखें। नौवां प्रश्न है, मार्च 2023 में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? शशिधर जगदीशन ने। शशिधर जगदीशन ने। 3 मार्च 2023 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धर्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में। ग्यारहवां प्रश्न है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक हैं? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक हैं अभय कुमार। अभय कुमार। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सिंधु मैत्री अभ्यास किया? जापान के साथ। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सिंधु मैत्री अभ्यास किया? जापान के साथ। 3 मार्च 2023 को सत्यव्रत मुखर्जी का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक पार्टी के नेता थे? भाजपा पार्टी के। भाजपा पार्टी के। मार्च 2023 में किस मंत्रालय को COVID-19 के प्रबंधन हेतु पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया है? स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को। मार्च 2023 में किस मंत्रालय को COVID-19 के प्रबंधन हेतु पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया है? स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को। याद जरूर याद रखें। 15 प्रश्न है दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मार्च को। मार्च 2023 में किस देश में नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेता एलएस बियालास्की को 10 साल के जेल की सजा हुई है? बेलारूस। ये बेलारूस के हैं एलएस बियालास्की। 17 प्रश्न है,
नाबोको पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला को पैन नोबोको पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 में कहाँ हुई? नई दिल्ली में। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 में कहाँ हुई? नई दिल्ली में। दोस्तों 19वां प्रश्न हमारे सामने, भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है इसका सयातन आनंद, सयातन दास आनंद, ये पश्चिम बंगाल कोलकाता के हैं, सयातन दास आनंद। दोस्तों भारत में अब तक कुल 82 शतरंज मास्टर जो है वो बन चुके हैं, 82 बन चुके हैं। जो 82वे बने हैं वो उपल्ला प्रणीत बने हैं, उपल्ला प्रणीत ये बने हैं भारत के 82वें शतरंज में ग्रैंड मास्टर, और जो उपल्ला प्रणीत है ये तेलंगाना राज्य के हैं। दोस्तों वर्ष 2023 में जो है कुल अब तक 4 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, वर्ष 2023 में अब तक कुल 4 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। वैसे तो भारत में टोटल जो है वो 82 बन चुके हैं, पर जो अगर मैं इसी 2023 की बात करूँ तो इसमें कुल 4 बन चुके हैं, जिसमें जो कौस्तव चटर्जी बने थे ये भारत के 79वें बने थे कौस्तव चटर्जी, उसके बाद विघ्नेश एन आर बने थे वो 80वें थे, उसके बाद 81वें बने थे सयातन दास, और उसके बाद हैं 82वें उपल्ला प्रणीत। तो कुल अब तक 82 बन चुके हैं, ये आप जरूर याद रखें। आगे हमारे पास प्रश्न है 20वां प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 मार्च को। 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता है? आंसर है इसका कर्नाटक राज्य ने, कर्नाटक राज्य ने। 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर है इसका कर्नाटक राज्य ने। और जो इसमें उपविजेता रहा था ये मेघालय राज्य रहा था, मेघालय राज्य तो जो था ये इसमें उपविजेता रहा था। संतोष ट्रॉफी ये 76वीं थी, संतोष ट्रॉफी 76वीं संतोष ट्रॉफी थी, और इसका जो आयोजन है वो मार्च 2023 में किया गया था रिया सऊदी अरब में, और जो कर्नाटक है वो इसमें विजेता रहा था, और मेघालय जो है वो उपविजेता इसमें रहा था, मेघालय जो है वो इसमें उपविजेता रहा था और कर्नाटक जो था इसमें विजेता रहा था। और 54 साल के बाद जो है ये कर्नाटक ने ये खिताब जीता है संतोष ट्रॉफी का, संतोष ट्रॉफी का जो खिताब जीता है ये 54 साल के बाद कर्नाटक की टीम ने जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मार्च 2023 में डस्ट लीक अभ्यास 2023 किस देश के साथ आयोजित हुआ है? मार्च 2023 में डस्ट लीक अभ्यास 23 किस देश के साथ आयोजित हुआ है? आंसर है इसका उज्बेकिस्तान के साथ, भारत और उज्बेकिस्तान के जो साथ है वो डस्ट लीक अभ्यास 23 आयोजित किया गया है मार्च 2023 में। मार्च 2023 में ईरानी कप 2022 से 23 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर है इसका शेष भारत ने, आंसर है इसका शेष भारत ने। ईरानी जो ये कप था ये 59वां था, ये 59वां ईरानी कप ये खेला गया था इस बार 2022 से 23 के दौरान, और जो इसमें विजेता रहा है वो शेष भारत रहा है, और जो इसमें उपविजेता रहा है वो मध्य प्रदेश रहा था, उपविजेता जो रहा था ये मध्य प्रदेश इसमें रहा था, और शेष भारत के जो कप्तान थे वो मयंक अग्रवाल थे, मयंक अग्रवाल थे शेष भारत की टीम के कप्तान, और प्लेयर ऑफ द जो मैच इसमें बने थे वो यशस्वी जायसवाल बने थे जो कि शेष भारत की टीम से थे। आगे हम बढ़ते दोस्तों, इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सज्जन सिंह यादव, सज्जन सिंह यादव। इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सज्जन सिंह यादव। किस राज्य ने मार्च 2023 में मऊगंज नामक नए जिले के स्थापना की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने मार्च 2023 में मऊगंज नामक नए जिले की स्थापना की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। 26वां प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2023 में किस राज्य में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में। मार्च 2023 में किस राज्य में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली जो है वो स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में, ये आप जरूर याद रखें। 27वां प्रश्न है दोस्तों, 6 मार्च 2023 को भारत का नया लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका एसएस दुबे को। भारत का नया महालेखा जो नियंत्रक बना है, नया लेखा महानियंत्रक जो बना है वो एसएस दुबे बने हैं मार्च 2023 में। दोस्तों जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, चाहे वो आपके मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो, कंपनियों कैसी हो, उसका जो मैंने आपको वीडियो बनाया है वो मैंने स्पीडी की बुक से बनाया है, तो पेज नंबर 114 तक आप सारी जो पढ़ ये सकते हैं, जितने भी हैं ये नियुक्तियां हुई हैं सही सारी आप पढ़ सकते हैं उसमें। मार्च 2023 में किस राज्य ने लाडली बहना योजना का अनावरण किया है? आंसर इसका मध्य प्रदेश। मार्च 2023 में जो लाडली बहना योजना है इसका जो शुरुआत की है वो मध्य प्रदेश राज्य ने की है लाडली बहना।
मार्च 2023 में भारत फ्रांस के बीच फिनजैक्स 23 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में। आंसर इसका केरल में। मार्च 2023 में भारत और फ्रांस के बीच फिनजैक्स जो 23 अभ्यास है ये केरल में आयोजित किया गया है। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। आगे हमारे पास 30वां प्रश्न, मार्च 2023 में पांचवा आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कुआलालंपुर में। मार्च 2023 में पांचवा आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कुआलालंपुर में किया गया। 7 मार्च 2023 को योशांग उत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है इसका मणिपुर में। आंसर इसका मणिपुर में। 7 मार्च 2023 को योशांग कहते हैं और योशांग भी इसका रिटर्न में लिखा हुआ आपको आता है। योशांग तो जो योशांग है, योशांग उत्सव है, ये इसका आयोजन है जो है वो मणिपुर में हुआ है मार्च 2023 में। आइए हमारे पास है 32वां प्रश्न, 7 मार्च 2023 को 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? आंसर इसका शशि कुमार रामचंद्रन को। शशि कुमार रामचंद्रन को। 7 मार्च 2023 को 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया। मार्च 2023 में अट्टुकल पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? केरल में। अट्टुकल पोंगल जो त्यौहार है वो केरल राज्य में मनाया गया। मार्च 2023 में 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? मणिका साहा ने। मणिका साहा ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। रेवलॉन कंपनी ने अपने स्वस्थ भारत मिशन हेतु दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। रेवलॉन कंपनी ने अपने स्वस्थ भारत मिशन हेतु दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर जो है वो बनाया है सचिन तेंदुलकर को। 38वां प्रश्न है दोस्तों, धूम्रपान निषेध दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? आंसर है इसका 8 मार्च को। धूम्रपान निषेध दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? 8 मार्च को। 39वां प्रश्न है, प्रिट्ज़र आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता किसे चुना गया? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। प्रिट्ज़र आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का जो विजेता है वो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को चुना गया है, ये आप जरूर याद रखें। मार्च 2023 में भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? शालिजा धामी को। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर शालिजा धामी को नियुक्त किया गया है। 9 मार्च 2023 को सतीश कौशिक का निधन हो गया, वे क्या थे? आंसर इसका अभिनेता। आंसर इसका अभिनेता। मार्च 2023 में रामचंद्र पौड़ेल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? नेपाल देश के। रामचंद्र जो पौड़ेल हैं ये राष्ट्रपति चुने गए हैं नेपाल देश के। मार्च 2023 में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? कोलंबिया ने। आंसर इसका कोलंबिया। मार्च 2023 में जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? डोडा जिले में। मार्च 2023 में जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? डोडा जिले में। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। मार्च 2023 में 19वीं बिम्बिस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? थाईलैंड के द्वारा। 19वीं बिम्बिस्टेक मंत्री स्तरीय जो बैठक है वो थाईलैंड में आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता की थी वो थाईलैंड देश ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 मार्च को, आप जरूर याद रखें। 47वां प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। मार्च 2023 में टॉपैक्स 23 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? अरब सागर में। मार्च 2023 में टॉपैक्स 23 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? अरब सागर में। 49वां प्रश्न है, लद्दाख में भारतीय सेना के बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा। लद्दाख में भारतीय सेना के बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया CEO किसे नामित किया गया है? बी गोप कुमार को। 11 मार्च 2023 को डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा लिखित पुस्तक मुंडकोपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। 11 मार्च 2023 को डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा लिखित पुस्तक मुंडकोपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किसने किया? उपराष्ट्रपति है ये जगदीप धनखड़, इन्होंने किया। और यह जो है 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, 14वें नंबर के। और द्रौपदी जो मुर्मू है ये 15वें नंबर पर बनी थी राष्ट्रपति,
और नरेंद्र मोदी भी 15वें नंबर पर प्रधानमंत्री बने हैं, और जगदीप धनखड़ जो है 14वें नंबर पर है। इनके आप न्यूमेरिकल जो स्थिति है ये आप जरूर याद रखें। एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है इसका के एम चंद्रशेखर। एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? के एम चंद्रशेखर। किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में मार्च 2023 में विस्फोट की घटना हुई? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में मार्च 2023 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एम दिवस सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रोहित जावा को। रोहित जावा को। 12 मार्च 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? हुबली कर्नाटक। हुबली कर्नाटक में ये किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है हुबली कर्नाटक में। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट पर्यटन पुरस्कार 2023 किस देश को मिला है? भारत को। भारत देश को। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट पर्यटन पुरस्कार जो 2023 जो है ये मिला है भारत देश को। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए व बी दोनों ही हैं, संयुक्त रूप से हैं, पीएम ज्योतिमणि और जी बालन। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक के लेखक हैं पी ज्योतिमणि और जी बालन, संयुक्त रूप से। मार्च 2023 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी किस रचना हेतु 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? पागल खाना के लिए। मार्च 2023 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी किस रचना हेतु 32वां व्यास सम्मान 2022 जो है वो दिया गया है? आंसर इसका पागल खाना। इनकी रचना का नाम है पागल खाना। 12 मार्च 2023 को 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? ब्रैंडन फ्रेजर को। ब्रैंडन फ्रेजर को। 12 मार्च 2023 को 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो ब्रैंडन फ्रेजर को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो इसमें मिशेल यो को दिया गया था। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस फिल्म के गाने को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? आंसर इसका RRR यानी कि RRR जो कि एक भारतीय फिल्म है। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस फिल्म के गाने को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला? RRR जो इनका गाना था नाटू नाटू। 13 मार्च 2023 को पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशनल 20 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशनल 20 बैठक का आयोजन जो है वो गुवाहाटी असम में किया गया। भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। आंसर इसका सुरेखा यादव, आप जरूर याद रखें। आगे हमारे पास प्रश्न है 63वां प्रश्न। फरवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है? ए व सी दोनों को ही मिला है संयुक्त रूप से, मतलब महिलाओं में और पुरुष कैटेगरी में। हैरी ब्रुक जो है ये पुरुष कैटेगरी में मिला है जो कि इंग्लैंड के हैं, और एशले गार्डनर जो है इन्हें महिला कैटेगरी में दिया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला प्लेयर हैं। तो फरवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है हैरी ब्रुक को और एशले गार्डनर को। वित्त वर्ष 2023 से 24 हेतु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने राशि का बजट पेश किया गया है? 118,500 करोड़। 118,500 करोड़ वित्त वर्ष 23 से 24 हेतु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो बजट दिया गया है वो 118,500 करोड़ रुपए का दिया गया है। नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 14 मार्च को। 14 मार्च को नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। मार्च 2023 में महाराष्ट्र के किस शहर में भिखारी मुक्त शहर का नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर का। मार्च 2023 में भारत व सिंगापुर के बीच ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? जोधपुर राजस्थान में। मार्च 2023 में भारत व सिंगापुर के बीच ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास जोधपुर राजस्थान में किया गया था, ये आप जरूर याद रखें। मार्च 2023 में NMDC के CMD का पदभार किसने संभाला है? अमिताभ मुखर्जी ने। अमिताभ मुखर्जी ने। 15 मार्च 2023 को समीर खाकर का निधन हो गया, वे क्या थे? अभिनेता थे। समीर खाकर जो थे ये अभिनेता थे। 15 से 26 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल प्रायोजक किसे बनाया गया है?
महिंद्रा को, आंसर है इसका महिंद्रा को। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उपरोक्त सभी में, यानी के संयुक्त रूप से जो सभी देश हैं ये मेजबानी करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जिसमें शामिल होगा हमारा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, तीनों ही कंट्रों में ये आयोजित किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? आठवीं, आंसर इसका आठवीं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक है आठवीं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च को, आंसर इसका 15 मार्च को। विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने का प्रोजेक्ट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है डेनमार्क। विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने का प्रोजेक्ट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है डेनमार्क। देश का पहला रेशम कीट बीमा मार्च 2023 में किस राज्य ने शुरू किया है? देश का पहला रेशम कीट बीमा मार्च 2023 में किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर इसका उत्तराखंड ने, आंसर इसका उत्तराखंड ने। आप जरूर याद रखें कि जो रेशम कीट बीमा है ये देश में जो पहली बार है ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है, जो रेशम कीट बीमा लॉन्च किया है ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है मार्च 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 कब मनाया गया? 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 कब मनाया गया? 16 मार्च को। 78वां प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2023 में शी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ा वक्त को, श्रेया घोड़ा वक्त को। मार्च 2023 में प्रकाश सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? भारत। मार्च 2023 में प्रकाश सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है, यानी कि जो आयात करता है विदेशों से हथियारों को, तो वो भारत देश है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है वो भारत है। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 80वां प्रश्न, वायकॉम 18 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वायकॉम 18 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एम एस धोनी को। 16 मार्च 2023 को पैट्रिक फ्रेंच का निधन हो गया, वे क्या थे? उपरोक्त सभी थे, यानी कि वो तीनों ही पेशों से संबंधित थे, वो लेखक भी थे, वो इतिहासकार भी थे और वो शिक्षाविद भी थे, पैट्रिक फ्रेंच। विश्व नींद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 मार्च को। विश्व नींद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 मार्च को। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2026 तक। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2026 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है वर्ष 2026 तक। मार्च 2023 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? के कृति वासन। मार्च 2023 में शंघाई सहयोग संगठन SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर इसका 18 मार्च को। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे किस तिथि को मनाया जाता है? 18 मार्च को, आप जरूर याद रखें। 18 से 19 मार्च 2023 तक स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में हुई? सिक्किम राज्य में। 88वां प्रश्न है दोस्तों, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे सूर्यवंशम की रचना हेतु सरस्वती सम्मान 2022 का विजेता चुना गया है? आंसर है इसका शिव शंकरी को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे सूर्यवंशम की रचना हेतु सरस्वती सम्मान 2022 का विजेता चुना गया है? शिव शंकरी को, आप जरूर याद रखें। विपिन यूनिफॉर्म के पीछे छिपे इंसान शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रचना विश्वात रावत। किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है? उत्तराखंड ने। किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है? उत्तराखंड राज्य ने। मार्च 2023 में किस चक्रवात ने मलावी और मंजाम्बिक को प्रभावित किया है? फ्रेडी चक्रवात ने। मार्च 2023 में जी कृष्ण कुमार को किस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया है? BPCL का। 19 मार्च 2023 को सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? सार्जियो परेज ने।
19 मार्च 2023 को सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? सर्जियो परेज ने। 19 मार्च 2023 को इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? सेलेना गोमेज। सेलेना गोमेज आप जरूर याद रखें। 19 मार्च 2023 को इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है सेलेना गोमेज। नेक्स्ट, इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए और बी दोनों ही संयुक्त रूप से हैं। ए और बी दोनों ही संयुक्त रूप से हैं। राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन जो हैं इस पुस्तक के दोनों ही संयुक्त रूप से लेखक हैं स्नैक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 के। स्टेशनरी निर्माता लक्सर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली को। स्टेशनरी निर्माता लक्सर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली को। जब जरूर याद रखें। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 126वीं रैंक है इसमें भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में, जो कि मार्च में जारी की गई है। भारत की किस स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी ने मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में न्यूयॉर्क फ्रेंचाइजी को खरीदा है? मुंबई इंडियंस ने। भारत की किस स्पोर्ट फ्रेंचाइजी ने मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में न्यूयॉर्क फ्रेंचाइजी को खरीदा है? मुंबई इंडियंस ने। आप जरूर याद रखें। प्रश्न हमारे सामने 99 प्रश्न। मार्च 2023 में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? राजस्थान राज्य ने। मार्च 2023 में 19 नए जो जिले बनाए गए हैं राजस्थान राज्य में बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो वो प्रश्न दोस्तों, किस देश के पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया देश के ये प्लेयर हैं टिम पेन, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आगे हमारे प्रश्न है 101, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया है? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया गया है वो 21 मार्च को मनाया गया है। नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। मार्च 2023 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। मार्च 2023 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। मार्च 2023 में किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में पद्म लक्ष्मी पहली बार काउंसिल में नामांकित हुई है? आंसर है इसका केरल राज्य की है ये पद्मा लक्ष्मी जो पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में बार काउंसिल में नामांकित हुई है ये केरल राज्य की है। दोस्तों आगे हमारे पास 105 प्रश्न, विश्व जल दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों वर्ष 2023 का जो ये थीम था विश्व जल दिवस का वो था एक्सेलरेटिंग चेंज, जिसका अर्थ है तेजी से परिवर्तन। आप जरूर याद रखें। मार्च 2023 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया? आंसर है इसका बॉम्बे जय श्री को। संगीत कला निधि जो पुरस्कार है 2023 में दिया गया है बॉम्बे जय श्री को। सीएट टायर निर्माता कंपनी का नया एमडी और सीईओ मार्च 2023 में किसे बनाया गया है? अर्णब बनर्जी को। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान राज्य। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान राज्य है। और पंजाब जो राज्य है इसने चलने का अधिकार दिया है, चलने का अधिकार। और स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है राजस्थान राज्य ने। मार्च 2023 में किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख को क्रिस्टोफर मार्टिन जैकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? नेपाल देश के हैं ये क्रिकेटर आसिफ शेख, जिन्हें क्रिस्टोफर मार्टिन जैकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मार्च 2023 में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन हुआ है? उत्तराखंड में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 23 मार्च को। 23 मार्च 2023 को एमसीएफ रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? आंसर है इसका रानी रामपाल के नाम पर। एमसीएफ रायबरेली हॉकी स्टेडियम का जो नाम है बदलकर रानी रामपाल स्टेडियम कर दिया गया है। दोस्तों मेरा दिया गया कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 113वां प्रश्न, भारत ने 31 वर्ष तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप निर्माण का लक्ष्य रखा है?
भारत ने 31 वर्ष तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीनशिप निर्माण का लक्ष्य रखा है। आंसर इसका वर्ष 2023 तक 23 मार्च 2023 को गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर इसका लुइस स्कैफरेली को। गणित का जो नोबेल दिया जाता है एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में वो दिया गया है लुइस स्कैफरेली को वर्ष 2023 में। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक मार्च 2023 में किस शहर में हुई है। आंसर इसका उदयपुर राजस्थान। 116 प्रश्न है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस जो मनाया जाता है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों वर्ष 2023 में विश्व क्षय रोग टीबी दिवस का जो थीम है वो है यस वी कैन एंड टीबी। वी कैन एंड टीबी ये इसका थीम था। यस वी कैन एंड टीबी और 2023 में इसका ये थीम था और 24 मार्च को ये मनाया जाता है। 117 प्रश्न है, 24 मार्च 2023 को गॉर्डन मूर का निधन हो गया, वे किस कंपनी के सह संस्थापक थे। इंटेल कंपनी के। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अनुराग बेहर। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो अनुराग बेहर हैं, ये आप जरूर याद रखें। 119 प्रश्न है, 24 मार्च 2023 को प्रदीप सरकार का निधन हो गया, वे क्या थे। आंसर है इसका फिल्म निर्देशक। मार्च 2023 में कोंकण 23 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ। आंसर है इसका यूके, भारत और यूके के बीच। कोंकण 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है भारत और यूके के बीच। 25 मार्च 2023 को आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का नया कप्तान किसे बनाया गया है। नीतीश राणा को, ये आप जरूर याद रखें। असम भैवक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। डॉक्टर तपन सेकिया को। असम भैवक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। डॉक्टर तपन सेकिया को। 123 प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख मार्च 2023 में किसे चुना गया है। दिल्मा रुसैफ को। मार्च 2023 में मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने पारित किया है। आंसर इसका छत्तीसगढ़ ने। मार्च 2023 में मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने पारित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य ने, आप जरूर याद रखें। 20 मार्च 2023 को महिला आईपीएल 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किस टीम ने जीता है। आंसर इसका मुंबई इंडियंस। 20 मार्च 2023 को महिला आईपीएल 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके इस टीम ने जीता है, मुंबई इंडियंस ने। इसमें जो मुंबई इंडियंस है वो विजेता रही और दिल्ली कैपिटल्स जो है इसमें उपविजेता रही। मार्च 2023 में एनजीटी ने किस राज्य पर रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केरल राज्य में। 26 मार्च 2023 को किस भाषा के प्रसिद्ध अभिनेता और पूर्व सांसद इनोसेंट का निधन हो गया। मलयालम भाषा के ये प्रसिद्ध अभिनेता और पूर्व सांसद थे इनोसेंट, जिनका निधन हो गया। विश्व रंगमंच दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस 2023 जो है वो मनाया गया 27 मार्च को। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। आजाद, आंसर इसका आजाद। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। आजाद नाम से। मार्च 2023 में केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया है। आंसर इसका एम टी वासुदेवन नायर को केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है मार्च 2023 में। मार्च 2023 में सहकार समृद्धि पौधा का निर्माण किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है। कर्नाटक राज्य में। 26 मार्च 2023 को जम्मू और कश्मीर द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर इसका आलिया मीर को। 26 मार्च 2023 को जम्मू और कश्मीर द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है आलिया मीर को। 133 प्रश्न है, 28 मार्च 2023 को वॉल्ट डिज्नी कंपनी भारत के स्वामित्व वाले स्टार स्पोर्ट्स चैनल का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है। रणवीर सिंह को। 134 प्रश्न दोस्तों, मार्च 2023 में ऐतिहासिक व्यक्तित्व भगवान बशेश्वर जी और नाड प्रभु टेम्पोगोड़ा जी की मूर्तियों का अनावरण किसने किया। अमित शाह ने। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है।
अजय सिंह को, अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है, अजय सिंह को। दोस्तों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसकी मैंने वीडियो बनाई है स्पीडी करंट अफेयर्स बुक से, पेज नंबर 114 में आपको जो वीडियो मैंने डाला है वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको सभी जो जितने भी नई नियुक्तियां हुई हैं वो आप उसमें आपको सभी मिलेंगी। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक के लेखक हैं अनुरुद्ध भट्टाचार्य, अनुरुद्ध भट्टाचार्य। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा जो पुस्तक है इसके लेखक हैं अनुरुद्ध भट्टाचार्य। क्रिकेट के T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मार्च 2023 में कौन बन गए हैं? शाकिब अल हसन, शाकिब अल हसन। क्रिकेट के T20 प्रारूप जो है इसमें सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं शाकिब अल हसन। मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार किस देश को बनाया गया है? सऊदी अरब को, सऊदी अरब को। संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार जो है बनाया गया है सऊदी अरब को। मार्च 2023 में किस राज्य के एनजीओ तपोवन को स्वास्थ्य व पोषण श्रेणी में बच्चों का चैंपियन अवार्ड मिला है? असम राज्य, असम राज्य का ये एनजीओ है तपोवन, जिसे स्वास्थ्य व पोषण श्रेणी में बच्चों का चैंपियन अवार्ड मिला है। 140 प्रश्न दोस्तों। मार्च 2023 में पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के लोकपाल की अधिकतम आयु कितनी कर दी गई है? 70 साल, 70 साल। मार्च 2023 में किस बैंक ने एनजीओ द इको फाउंडेशन की सहायता से बेंगलुरु में गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी में 32,000 पौधे लगाने हेतु 48 लाख रुपए दान देने की घोषणा की? SBI ने, SBI ने। राष्ट्रीय समुद्र सप्ताह 2023 किस अवधि में मनाया गया? 30 मार्च से 5 अप्रैल तक, 30 मार्च से 5 अप्रैल तक राष्ट्रीय समुद्र सप्ताह 2023 में मनाया गया है। BCCI ने मार्च 2023 में टाटा IPL 2023 का आधिकारिक साझेदार बनाया हर्बा लाइफ को, हर्बा लाइफ को। नेपाली उपन्यास फुलांगड़े के लेखक कौन है? लेखनाथ छेत्री। नेपाली उपन्यास है फुलांगड़े जिसके लेखक है लेखनाथ छेत्री। मार्च 2023 में किस संस्था ने दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का निर्माण किया? IIT मद्रास ने, IIT मद्रास ने, IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का निर्माण किया है, आप जरूर याद रखें। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम का पहला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अमित छत्रे को, अमित छत्रे को। 31 मार्च 2023 को किस उच्च न्यायालय ने देश में पहली बार चैट GPT की सहायता से फैसला सुनाया है? पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने देश में पहली बार चैट GPT की सहायता से फैसला सुनाया है मार्च 2023 में। 123 प्रश्न दोस्तों। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर MS हसन, डॉक्टर MS हसन। वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड पुस्तक के लेखक हैं वाणी त्रिपाठी टिंकू, वाणी त्रिपाठी टिंकू। वाई कांट्स एलिफेंट्स बी रेड के पुस्तक के जो लेखक है ये है वाणी त्रिपाठी टिंकू। 31 मार्च 2023 को नाटो का 31वां सदस्य राष्ट्र बना है? फिनलैंड, आंसर इसका फिनलैंड। 31 मार्च 2023 को नाटो का 31वां सदस्य राष्ट्र बना है फिनलैंड। नाटो के सदस्यों की संख्या हो चुकी है अभी 31, और जो स्वीडन देश है उसने इसमें सदस्यता के लिए आवेदन दे रखा है, तो वो भी इसका बहुत ही जल्द जो है सदस्य देश बन जाएगा। अपने रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करने वाला पहला भारतीय राज्य है? हरियाणा राज्य। अपने रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करने वाला पहला भारतीय राज्य है हरियाणा राज्य। दोस्तों आगे MCQ प्रश्नों में हमारे पास अप्रैल 2023 के प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 को IPL में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? खलील अहमद। 1 अप्रैल 2023 को IPL में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं खलील अहमद। RBI स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। RBI स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। भारत सरकार द्वारा पेश की गई विदेश व्यापार नीति 2023 का उद्देश्य किस वर्ष तक देश के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाना है? वर्ष 2030 तक। भारत सरकार द्वारा अंधापन रोकथाम सप्ताह प्रतिवर्ष किस अवधि में मनाया जाता है? 1 से 7 अप्रैल को, 1 से 7 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2023 को इंडस एंटरप्रेनर्स राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डॉक्टर शीनू झावर, डॉक्टर शीनू झावर। 2 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना का उप सेनाध्यक्ष का पद किसे संभाला है?
संजय जसजीत सिंह ने भारतीय नौसेना का उप सेनाध्यक्ष का जो पद संभाला है, संजय जसजीत सिंह ने संभाला है। भारत और किस देश के बीच स्लाइनेक्स 2023 अभ्यास आयोजित हुआ है? श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का निधन हो गया, वे क्या थे? क्रिकेटर, आंसर है इसका क्रिकेटर। 2 अप्रैल 2023 को ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टापन ने। 2 अप्रैल 2023 को ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टापन ने। कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लेखक कौन है? नंदिनी दास। 3 अप्रैल 2023 को फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुधा शिव कुमार को। फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष बनाया गया है सुधा शिव कुमार को। किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? केन्या ने, आंसर इसका केन्या ने। हिंदूफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? जॉर्जिया, आंसर इसका जॉर्जिया। हिंदूफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है जॉर्जिया। किस देश ने चैट जीपीटी और अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इटली ने, आंसर इसका इटली ने। संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे नाडा ने 4 साल के लिए बैन किया है? भारोत्तोलन से। संगीता चानू जो है ये भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं जिन्हें नाडा ने 4 साल के लिए बैन किया है, प्रतिबंधित किया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम 16 प्रश्न की तरह। 16 प्रश्न हमारे पास। 4 अप्रैल 2023 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कर्नाटक राज्य ने। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जो शीर्ष स्थान हासिल किया है कर्नाटक राज्य ने किया है, जो कि अप्रैल 2023 में ये जारी की गई है वर्ष 2022 हेतु। अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर, भांटा बैंगन और आदम चीनी चावल को GI टैग मिला है? वाराणसी उत्तर प्रदेश से। वाराणसी है जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। उस शहर के हैं पान, लंगड़ा आम, रामनगर, भांटा बैंगन और आदम चीनी चावल को GI टैग दिया गया है जो कि वाराणसी से ये संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? आंसर इसका 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 2023 जो मनाया गया है 4 मार्च को। दोस्तों 19वां प्रश्न है, हुड्डी पोशाक लुआन शंडी या लुआन चारी पहनकर किलिमंजारो फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर इसका अंजलि शर्मा। अंजलि जो शर्मा है ये हिमाचल प्रदेश राज्य से है ये अंजलि शर्मा। और इन्होंने, ये अफ्रीका का ज्वालामुखी पर्वत है माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो। 5,895 मीटर ये ऊंचा है, 5,895 मीटर ऊंचा है, जिसे अपनी पारंपरिक हिमाचल प्रदेश की जो पोशाक है लुआन चड़ी पहनकर इन्होंने इसको फतेह किया है और ये पहली भारतीय महिला बनी है। मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? केंटा निशी मोटो ने। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने सफलतापूर्वक अपना नया जासूसी सैटेलाइट ऑफ फैक्ट 13 को ऑर्बिट में उतारा है? इजराइल देश ने सफलतापूर्वक अपना नया जासूसी सैटेलाइट ऑफ फैक्ट 13 को ऑर्बिट में उतारा है। राष्ट्रीय रसायन विनिर्माण पोर्टल में विकास हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सागर सेतु। 5 अप्रैल 2023 को विमोचित पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीयूष बाबेल। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता जो पुस्तक है इसके लेखक हैं पीयूष बाबेल। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने अप्रैल 2023 तक किन भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? उपरोक्त सभी को, यानी कि उपरोक्त दिए गए तीनों खिलाड़ी जिनमें है महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और मिताली राज, तीनों को ही मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने अप्रैल 2023 में आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। दोस्तों 2600 प्रश्न हमारे पास। 5 अप्रैल 2023 को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान सफेद ईगल ऑर्डर किससे मिला है? वोलोदिमिर जेलेंस्की को।
5 अप्रैल को किन दो देशों के बीच हुए मैच में किम कॉटन पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय मैच की अंपायर बनी? श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच इन दो देशों के बीच में हुए मैच में जो किम कॉटन है वो पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय मैच की अंपायर बनी है। किम कॉटन जिन्होंने श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच अंपायरिंग की, हुए मैच में अंपायरिंग की। 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया? झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो जिनका निधन हो गया। भारत की स्थिति से संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 से जो भारत है वह संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा, यह जरूर याद रखें। अप्रैल 2023 में किस भारतीय अमेरिकी को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नित्या अब्राहम को, डॉक्टर नित्या अब्राहम को। हनुमान जयंती 2023 के अवसर पर भावनगर गुजरात में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किसने किया? अमित शाह ने, अमित शाह ने। 7 अप्रैल 2023 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। 7 अप्रैल 2023 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है वो हेल्थ फॉर ऑल रखी गई है, हेल्थ फॉर ऑल रखी गई है। 33वां प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस राज्य के सुगंधित नागरी दुबरा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य का है ये नागरी दुबराज चावल, जिसे जीआई टैग दिया गया है, नागरी दुबराज चावल। अप्रैल 2023 में किस राज्य के मर्चा चावल को सरकार ने जीआई टैग प्रदान किया है? अप्रैल 2023 में किस राज्य के मर्चा चावल को सरकार ने जीआई टैग प्रदान किया है? बिहार राज्य के। अप्रैल 2023 में जारी फीफा रैंकिंग, विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? 101वीं। 36वां प्रश्न है दोस्तों, टाइम 100 पोल 2023 का विजेता यानी कि प्रथम रैंक पर किसे चुना गया है? शाहरुख खान को, शाहरुख खान को। 37वां प्रश्न दोस्तों, 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा 2 दिवसीय गज उत्सव 2023 को उद्घाटन किया? काजीरंगा असम में, काजीरंगा असम में। अप्रैल 2023 में लॉन्च बोरोक्सा ट्रस्ट ऐप किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से, महिला सुरक्षा से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस तारीख को वायुसेना स्टेशन तेजपुर असम में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? 8 अप्रैल 2023 को, 8 अप्रैल 2023 को। अप्रैल 2023 में किस राज्य को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ई प्रोक्योरमेंट हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का पुरस्कार दिया गया है? त्रिपुरा राज्य को, त्रिपुरा राज्य को। किस राज्य ने ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? राजस्थान राज्य ने, राजस्थान राज्य ने। 9 अप्रैल 2023 को जारी टाइगर जनगणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3,167। ये अब आपकी नई जो है जनगणना है बाघों की, जिसके आधार पर 3,167 बाघ अब काउंट किए गए हैं, ये आप जरूर याद रखें। 9 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? राशिद खान ने, राशिद खान ने। 9 अप्रैल 2023 को जल बाला वैद्य का निधन हो गया, वे किस थिएटर की संस्थापक थी? आंसर इसका अक्षरा थिएटर, अक्षरा थिएटर। अप्रैल 2023 में स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अवधि को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2025 तक, वर्ष 2025 तक। अप्रैल 2023 में पशुधन के स्वास्थ्य देखभाल हेतु किस राज्य ने संजीवनी परियोजना की शुरुआत की? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश राज्य ने, हिमाचल प्रदेश राज्य ने पशुधन के स्वास्थ्य देखभाल हेतु संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है अप्रैल 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय पैरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन है? तिब्बत, आंसर है इसका तिब्बत। 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को। आईपीएल में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? डेविड वार्नर, ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है डेविड वार्नर। आईपीएल में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं डेविड वार्नर। अप्रैल 2023 में किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? सी राधाकृष्ण राव को, सी राधाकृष्ण राव को। अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है? उपरोक्त सभी से, यानी कि उपरोक्त दी गई तीनों ही पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था वो छीन लिया गया है।
एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी तीनों से थी और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया है। 10 अप्रैल को किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में 10 अप्रैल को भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को किसने जारी किया है? किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू, किरेन रिजिजू ने संविधान के जो डोगरी संस्करण है उसको जारी किया है, किरेन रिजिजू ने, जो कि अप्रैल में जारी किया गया है। अप्रैल 2023 में मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? नीलेश सांबरे को। नीलेश सांबरे को। 55वां प्रश्न दोस्तों, 10 अप्रैल को अजय शंकर ने किस देश में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू की है? युगांडा देश में। युगांडा देश में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू की है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अप्रैल 2023 में। 10 अप्रैल को संतो कब्बा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सोनम वांग चुंग को। सोनम वांग चुंग को। संतो कब्बा मानवतावादी पुरस्कार 2023 दिया गया है सोनम वांग चुंग को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। 59वां प्रश्न है, किस राज्य के गोंड चित्रकला को अप्रैल 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश की है ये गोंड चित्रकला, जिसे जीआई टैग दिया गया है अप्रैल 2023 में। गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश से है। वर्ल्ड स्टैटिक्स के अनुसार सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वो क्या है? आंसर इसका 77वीं। आंसर इसका 77वीं। भारत की जो रैंकिंग है सबसे आपराधिक देशों की सूची में 77वीं है। आईमा ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया है? मंगलम बिड़ला को। मंगलम बिड़ला को। क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू करने वाला पहला देश कौन है? अल सल्वाडोर। क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू करने वाला पहला देश है अल सल्वाडोर, जिसने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को। यह आप जरूर याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान जो दिवस है वो मनाया जाता है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल 2023 को किस कंपनी के पूर्व चेयरमैन केशव महिंद्रा का निधन हो गया? महिंद्रा की। महिंद्रा कंपनी है जिसके कंपनी के पूर्व चेयरमैन थे केशव महिंद्रा, जिनका निधन हो गया है अप्रैल 2023 में। 12 अप्रैल 2023 को किस संस्था ने अपना स्थापना दिवस के अवसर पर अपना नया लोगो लॉन्च किया है? सेबी ने। आंसर इसका सेबी। सेबी संस्था ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर 12 अप्रैल 2023 को अपना नया लोगो लॉन्च किया है। सेबी का जो स्थापना दिवस है वो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल 2023 में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ निर्माणाधीन है? बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में। 12 अप्रैल 2023 को उत्तरा बाबकर का निधन हो गया, वे क्या थी? आंसर इसका अभिनेत्री। महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। और सर्वाधिक जो संपत्ति वाले मुख्यमंत्री है वो जगमोहन रेड्डी है, ये आंध्र प्रदेश के हैं जगमोहन रेड्डी। ये सर्वाधिक में है और सबसे कम में है। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? कागिसो रबाडा। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गए हैं कागिसो रबाडा। मार्च 2023 हेतु ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? ए व बी दोनों को। ए व बी दोनों को, यानी कि शाकिब अल हसन और हेनरिट इशिम्बे। ये महिला में हैं और ये पुरुष में है। महिला में जो दिया गया वो हेनरिट इशिम्बे को दिया गया है और पुरुषों में शाकिब अल हसन को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है मार्च 2023 हेतु। 13 अप्रैल 2023 को भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद हेतु एक साझा मंच लॉन्च किया है? श्रीलंका के लिए। श्रीलंका के लिए भारत और जापान और फ्रांस ने जो है वो एक साझा मंच लॉन्च किया है अप्रैल 2023 में श्रीलंका की मदद के लिए। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में। 74वां प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ चीन की बढ़ती मुखरता का मुकाबला करने हेतु दक्षिण चीन सागर में बालिकाटन नामक अभ्यास किया है? फिलीपींस में। फिलीपींस देश के साथ चीन की बढ़ती मुखरता का मुकाबला करने हेतु दक्षिण चीन सागर में बालिकाटन नामक अभ्यास किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अप्रैल 2023 में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? गुवाहाटी असम में। गुवाहाटी असम जो है
ये पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स यहाँ पर बनाया गया है गुवाहाटी असम में, ये आप जरूर याद रखें। अप्रैल 2023 में किस देश में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का उद्घाटन एस जयशंकर ने किया? मोजाम्बिक। आंसर इसका अफ्रीकी देश है ये मोजाम्बिक, जहां पर भारत ने बुजी ब्रिज जो है वो बनाया है, तो जिसका जो उद्घाटन है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है अप्रैल 2023 में, ये आप जरूर याद रखें। किस राज्य को पीएम फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? आंसर इसका कर्नाटक राज्य। आंसर इसका कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य को पीएम फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन हेतु जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है कर्नाटक राज्य को। 78वां प्रश्न है दोस्तों, 15 अप्रैल 2023 को फेमिना मिस इंडिया के 59वें संस्करण की विजेता कौन बनी? नंदिनी गुप्ता। आंसर इसका नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया के 59वें संस्करण की विजेता बनी है नंदिनी गुप्ता। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 80वां प्रश्न, टाइम मैगजीन की 2023 के वार्षिक 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल भारतीय कौन है? बी व सी दोनों ही हैं, जिसमें है हमारा शाहरुख खान और एस एस राजा मौली। एस एस राजा मौली। टाइम मैगजीन की 2023 की वार्षिक 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल भारतीय हैं शाहरुख खान और एस एस राजा मौली। अप्रैल 2023 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है? आंसर है इसका नेपाल। आंसर है इसका नेपाल। अप्रैल 2023 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है? तो आंसर इसका नेपाल देश। अप्रैल 2023 में किस बैंक ने 400 दिनों की अवधि का अमृत कलश खुर्दरा सावधि जमा योजना शुरू की है? आंसर इसका SBI। अप्रैल 2023 में SBI बैंक ने 400 दिनों की अवधि का अमृत कलश खुदरा सावधि जमा योजना शुरू की है SBI ने, जो कि 400 दिनों की अवधि के लिए है। दोस्तों 83वां प्रश्न है, 16 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है? दत्तात्रेय नारायण धर्मा अधिकारी को। दत्तात्रेय नारायण धर्मा अधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2023 का। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? वेंकटेश अय्यर बने हैं। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं वेंकटेश अय्यर। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। IPL में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? KL राहुल। 16 अप्रैल 2023 को किस भारतीय अमेरिकी को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को। राज सुब्रमण्यम को। 15 से 16 अप्रैल 2023 तक बिहार के किस जिले में 11वां थावे महोत्सव आयोजित हुआ है? गोपालगंज में। बिहार के गोपालगंज में 11वां थावे महोत्सव आयोजित हुआ है 15 से 16 अप्रैल 2023 में। 16 अप्रैल 2023 को किस देश ने पेंगुइन 3 नामक मौसम संबंधी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चीन देश ने। 17 अप्रैल 2023 को G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक कहाँ हुई? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किए जाने की घोषणा की गई? चेन्नई में। आंसर इसका चेन्नई में। अप्रैल 2023 में भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन शुरू किया है? बांग्लादेश में। आंसर इसका बांग्लादेश में। वर्ष 2022 का विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? ए व बी दोनों को, सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर दोनों को ही, यानी कि पुरुषों में सूर्य कुमार यादव को और महिलाओं में हरमनप्रीत कौर को T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है नामित किया गया है विजडन ने। अप्रैल 2023 में किस राज्य के कंबम अंगूर को GI टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु राज्य। आंसर इसका तमिलनाडु राज्य। अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बन गए हैं? अर्जुन वाजपेयी। अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही बने हैं अर्जुन वाजपेयी। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2023 की थीम है विरासत परिवर्तन। एप्पल कंपनी ने अप्रैल 2023 में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है?
एप्पल कंपनी ने अप्रैल 2023 में भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों दिया गया कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे 98वें प्रश्न, अप्रैल 2023 में डीआरडीओ में उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी हैदराबाद में, आईआईटी हैदराबाद में। 18 अप्रैल 2023 की अल्लू अमेश का निधन हो गया है, वे क्या थे? आंसर इसका अभिनेता और कॉमेडियन, अभिनेता और कॉमेडियन। किसके द्वारा संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की गई? गिरिराज सिंह। विश्व लीवर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 अप्रैल को, आंसर है इसका 19 अप्रैल को। आईपीएल में 6000 से अधिक रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। आईपीएल में 6000 से अधिक रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। 19 अप्रैल 2023 को इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। अप्रैल 2023 में प्रतिष्ठित मेलकम अदिशिया अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? उत्साह पटनायक को, उत्साह पटनायक को। किस किन देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर इसका ए व बी दोनों से ही, यानी कि इंग्लैंड और जिम्बाब्वे, ये दोनों से ही इन्होंने खेला है गैरी बैलेंस ने। 20 अप्रैल 2023 को पामेला चोपड़ा का निधन हो गया, वे क्या थी? फिल्म निर्माता, फिल्म निर्माता। अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा, दीपिका मिश्रा। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। मनरेगा योजना के तहत लगातार चौथे वर्ष व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य। 109 प्रश्न है दोस्तों। अप्रैल 2023 में फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? आंसर इसका अर्जेंटीना, आंसर इसका अर्जेंटीना। अप्रैल 2023 में फीफा अंडर 20 फुटबॉल जो विश्व कप है वो अर्जेंटीना में, इसको अर्जेंटीना को मेजबानी इसकी सौंपी गई है। और ये जो है अभी जून में ही ये जो है ये इवेंट संपन्न हुआ है फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप का, जिसमें जो विजेता देश रहा है वो उरुग्वे रहा है, विजेता जो कंट्री रही है वो उरुग्वे रही है, ये आप जरूर याद रखें। फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप का जो विजेता रहा है वो उरुग्वे रहा है और उरुग्वे ने पहली बार इस टाइटल को जीता है, फुटबॉल अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप को पहली बार जीता है। और जो उप विजेता रहा है इसमें वो रहा है इटली, वो रहा है इटली, इटली इसमें उप विजेता रहा है, तो ये आप जरूर याद रखें। इसका विजेता रहा है उरुग्वे और उप विजेता रहा है इसका इटली, और ये हुआ है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में इसको खेला गया था, यानी कि इसमें मेजबानी की थी अर्जेंटीना देश ने। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण सिन्हा को, अरुण सिन्हा को। 20 से 21 अप्रैल तक आयोजित वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। किस देश के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रॉब ने 21 अप्रैल 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ब्रिटेन। आईपीएल में सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने वाला विदेशी खिलाड़ी कौन हो गया है? डेविड वार्नर। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्लेयर हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने आईपीएल में सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने वाला ये विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं डेविड वार्नर। किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारी हेतु 4% आरक्षण की घोषणा की है? महाराष्ट्र राज्य ने। 21 अप्रैल 2023 को किस पार्टी के नेता रहे त्रिलोचन कानूनगो का निधन हो गया है? बीजेडी, बीजेडी। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है? आंसर इसका इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। पूर्व टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी ने अप्रैल 2023 में किस नाम से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया? क्रास कोर्ट, आंसर इसका क्रास कोर्ट। ये टेनिस खिलाड़ी हैं जयदीप मुखर्जी, उन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखी है इसका जो नाम है आत्मकथा का क्रास कोर्ट है। जयदीप मुखर्जी टेनिस खिलाड़ी हैं और इनकी आत्मकथा का नाम है क्रास कोर्ट। 119वां प्रश्न दोस्तों, HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली को। अप्रैल 2023 में भारत डायनामिक्स लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? ए माधव राव को, ए माधव राव को।
दोस्तों जितने भी सरकारी कंपनियां, बैंक हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, खेल संगठन हैं, इन सभी के जो प्रमुख अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उन सभी को मैंने अपने स्पीडी करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया है। तो आप पेज नंबर 114 में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 114 तक मैंने स्पीडी करंट अफेयर्स के मैंने पूरे आपके वीडियो में मैंने आपको दिए हैं। तो उसमें आपको सभी आपको ये मिलेंगे, तो उसमें आप सभी चीजें ये देख सकते हैं। 23 अप्रैल 2023 को प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अप्रैल 2023 में आयोजित लंदन मैराथन 2023 किसने जीता है? कैल्विन किप्टम ने। कैल्विन किप्टम ने लंदन मैराथन 2023 जो है इसका विजेता रहा है, कैल्विन किप्टम। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। 24 अप्रैल 2023 को सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो नामक पुस्तक का विमोचन किया है बोरिया मजूमदार ने। बोरिया मजूमदार ने 24 अप्रैल 2023 को सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो नामक पुस्तक का विमोचन किया है बोरिया मजूमदार ने। अप्रैल 2023 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? आशा भोसले को। आशा भोसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने ब्रायन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। 24 अप्रैल 2023 को तारिक फतेह का निधन हो गया, वे क्या थे? तारिक फतेह जो थे वो एक पत्रकार थे। तारिक फतेह जो थे वो एक पत्रकार थे। 24 अप्रैल 2023 को संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने हेतु सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। 25 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में और सबसे तेज 200 विकेट लेने वाला पेसर कौन बन गए हैं? शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया देश ने। ऑस्ट्रेलिया देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। 25 अप्रैल को भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? केरल राज्य में। केरल राज्य में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल को निधन हो गया? पंजाब राज्य के। पंजाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल। हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ओडिशा FC यानी कि ओडिशा फुटबॉल क्लब। ओडिशा फुटबॉल क्लब ने। और इसका जो उपविजेता रहा है वो बेंगलुरु FC रहा है। ये इसका उपविजेता रहा है बेंगलुरु FC और जो विजेता रहा है वो ओडिशा FC रहा है। हीरो सुपर कप 2023 का। अंतर्राष्ट्रीय चेर्नोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय चेर्नोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को किस भाषा की फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मामू कोया का निधन हो गया? मलयालम। आंसर है इसका मलयालम। कलेक्टिव सिपरेट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कलेक्टिव सिपरेट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति। 27 अप्रैल 2023 को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है? आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को। 2023 से 24 अवधि हेतु नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 2023 से 24 की अवधि हेतु नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनंत महेश्वरी को। अनंत महेश्वरी को। दोस्तों जितनी भी कंपनियों के जो अध्यक्ष है, CEO है, CMD है, वो आप मेरी स्पीडी करंट अफेयर्स की वीडियो में आप देख सकते हैं पेज नंबर 114 तक। इसे अप्रैल 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा व्यक्तिगत रूप से 1959 का रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है दलाई लामा को। दलाई लामा को। दोस्तों 141वां प्रश्न है, स्मोक एंड एशेज ए राइट जर्नी टू OPM हिडन हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष। 28 अप्रैल 2023 को डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में विख्यात थे? विज्ञान क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? एलेक्सेंड्रा कोरब को। एलेक्सेंड्रा कोरब को। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 दिया गया है एलेक्सेंड्रा कोरब को। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। सर बार्ल्टन स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिनका 29 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? रंजीत गुहा। आंसर इसका रंजीत गुहा। सर बार्ल्टन स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिनका 29 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? रंजीत गुहा थे इसका आंसर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं?
बाबर आजम जो है ये पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं। 30 अप्रैल 2023 को अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? सार्जियो परेज ने। परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष कौन बना है? अजीत कुमार मोहंती जो है वो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, अजीत कुमार मोहंती। दोस्तों जितने भी भारत के संस्थाएं या फिर राष्ट्रीय निकाय है उन सभी का जो प्रमुख है, अध्यक्ष हैं या CMD हैं, कंपनियों के, बैंकों के जो भी प्रमुख अध्यक्ष हैं, तो उन सभी को मैंने अपनी स्पीडी करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया है। आप पेज नंबर 114 वाली वीडियो देख सकते हैं। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, 30 अप्रैल को। नारायण वागुल द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शन का विमोचन किसने किया? निर्मला सीतारमन ने। आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। नारायण वागुल द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शन का विमोचन किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। दोस्तों आगे हमारे पास अब दिए गए हैं मई 2023 के MCQ प्रश्न, करंट अफेयर्स के संबंधित। GST राजस्व संग्रह के इतिहास में सर्वाधिक संग्रह कब हुआ है? आंसर इसका अप्रैल 2023 में। GST राजस्व संग्रह के इतिहास में सर्वाधिक संग्रह हुआ है अप्रैल 2023 में। इसमें जो कलेक्शन किया गया है वो 1.87 लाख करोड़ रुपए का जो कलेक्शन है किया गया है GST राजस्व संग्रह में अप्रैल 2023 में, जो कि सर्वाधिक संग्रह अब तक रहा है। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है भारत। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना है भारत। लैपजिक पुस्तक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? आंसर इसका मारिया स्टेपानोवा। लैप्चिक पुरस्कार 2023 दिया गया है मारिया स्टेपानोवा, और ये 30वां ये पुस्तक पुरस्कार था। लैप्चिक पुरस्कार जो था ये 30वां था, ये भी आप जरूर याद रखें। 1 मई 2023 को सांतियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पराग्वे देश के राष्ट्रपति। किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBE से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एम एन नंद कुमार को। 2 मई 2023 को गांधी जी के पौत्र अरुण गांधी का निधन हो गया, वे क्या थे? वो लेखक थे। अरुण गांधी जो थे ये लेखक थे, गांधी जी के पौत्र थे अरुण गांधी जो कि लेखक थे। विश्व स्तर पर विश्व टूना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 मई को। 2 से 28 मई 2023 तक आशियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज 2023 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर इसका थाईलैंड। थाईलैंड में आसियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज 2023 जो है वो आयोजित की गई थी। मई 2023 में भारतीय मूल के किस अभिनेत्री को ब्रिटेन में बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड हेतु चुना गया है? मीरा सयाल। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इसका 2 मई को। विश्व अस्थमा जो दिवस वो मनाया जाता है 2 मई को। 11वां प्रश्न है दोस्तों, 2 मई 2023 को किस देश के धावक टोरी बोवी का निधन हो गया? अमेरिका। ये अमेरिका देश के धावक थे टोरी बोवी जिनका निधन हो गया। 3 मई 2023 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? 161वीं। आप जरूर याद रखें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंक है 180 देशों में 161वीं है। भारत की रैंक है 161वीं। समाजवादी नेता के रूप में योगदान हेतु किसे शताब्दी पुरुष की उपाधि दी गई है? पंडित राम किशन को। मई 2023 में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का पहला खिताब किसने जीता है? लुका ब्रेसेल ने। मई 2023 में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का पहला खिताब किसने जीता है? लुका ब्रेसेल ने। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। 3 मई 2023 को विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय बंगा को। दोस्तों जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संगठन है उन सभी के जो प्रमुख हैं वो मैंने सभी आपको एक ही वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया है। पेज नंबर 114 मैंने आपको उसमें पूरा स्पीडी का जो दिया गया है वो सभी इन्हीं नियुक्तियों से संबंधित हैं, तो वो आप जाके मेरी वीडियो में सभी आप पढ़ सकते हैं। आपको सभी ये मिल जाएंगे जितनी भी नई नियुक्तियां हैं, चाहे वो आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या फिर आपके कैबिनेट मिनिस्टर हों, वो आप सभी पढ़ सकते हैं। राज्यों के राज्यपाल आपको सभी उसमें मिलेंगे। दोस्तों आगे हमारे पास मई 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर शबनम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर हैं शबनम इस्माइल, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 4 मई 2023 को बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात मोर्चा का नामकरण किस देश ने किया है?
यमन देश ने जो है इसका नाम रखा है मोचा, जो कि बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था चक्रवात मोचा। 1900 प्रश्न दोस्तों, मिल्क एंड हनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूपी कौर। आंसर है इसका रूपी कौर। मिल्क एंड हनी नामक पुस्तक के लेखक है रूपी कौर। दोस्तों 20वां प्रश्न है, 4 मई 2023 को शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? गोवा राज्य में। आंसर है इसका गोवा राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 4 मई को। फोर्ब्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 4 मई 2023 को यूएई के किस शहर में मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? दुबई में। आंसर इसका दुबई में। फ्रांस में बैस्टिल दिवस परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होने हेतु आमंत्रित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 5 से 7 मई तक आयोजित जूनियर ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने वाले भारत के पहले राइडर कौन बने हैं? जेफरी इमेन्युअल बने हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का CMDT से नियुक्त किया गया है? आंसर इसका पी मल्लिक अर्जुना प्रसाद। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 5 मई को। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है 5 मई को। मई 2023 में 21 देश के धावक निजेल अमोस पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर इसका बोस्वाना। ये बोस्वाना देश के धावक है निजेल अमोस, जिन पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे सामने 29वां प्रश्न, 5 मई 2023 को अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर है, जिन्होंने 5 मई 2023 को अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले ये बल्लेबाज बन गए हैं बाबर आजम। 6 मई 2023 को किंग चार्ल्स द्वितीय का किस देश के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? आंसर है इसका यूके। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ निर्माणाधीन है? असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, आप जरूर याद रखें। किस देश के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर मार्क निकोलस को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया है? आंसर इसका इंग्लैंड। बैकफिट.com का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली, ये आप जरूर याद रखें। 7 मई 2023 को मैड्रिड ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। सीमा सड़क संगठन का 64वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 7 मई 2023 को। माई लाइफ एज ए कॉमरेड नामक पुस्तक किसकी आत्मकथात्मक रचना है? आंसर है इसका KK शैलजा। KK शैलजा की आत्मकथा है माई लाइफ इज ए कॉमरेड, आप जरूर याद रखें। विश्व एथलेटिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मई को। आठ मई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है इसका चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना के विरासत केंद्र का जो उद्घाटन है वो किया गया है चंडीगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वरस्टापन ने। अप्रैल 2023 हेतु ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के संदर्भ में क्या असत्य है? आंसर इसका नूरेमोल चाईवई सिंगापुर की क्रिकेटर है। नूरेमोल जो चाईवई है ये सिंगापुर की क्रिकेटर नहीं है, ये थाईलैंड की ये क्रिकेट प्लेयर हैं नूरेमोल चाईवई। और जो इसमें जो पुरुष श्रेणी के विजेता रहे हैं अप्रैल 2023 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में फकर जमा को दिया गया है और नूरेमोल चाईवई को महिला श्रेणी में दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। और जो नूरेमोल चाईवई है थाईलैंड की क्रिकेट प्लेयर है। आगे हमारे पास 43वां प्रश्न, 9 मई 2023 को किस प्रेस संस्थान को रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग हेतु अवार्ड मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स को। 9 मई 2023 को किस प्रेस संस्थान को रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग हेतु अवार्ड मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स को। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया है? म्यांमार देश में सितवे बंदरगाह का जो निर्माण है वो भारत सरकार ने किया है, जिसका जो संचालन है वो अधिकार प्राप्त कर लिया है भारत देश ने, जो कि म्यांमार में बनाया गया है सितवे बंदरगाह। 9 मई 2023 को किस देश के पूर्व फुटबॉलर एंटोनियो कार्बोजल का निधन हो गया है? मैक्सिको। आंसर इसका मैक्सिको देश के फुटबॉलर थे एंटोनियो कार्बोजल।
दस मई 2023 को राजीव लूथरा का निधन हो गया। वे क्या थे? कॉर्पोरेट अधिवक्ता। 47वां प्रश्न है दोस्तों, मई 2023 में किसी एशियाई देश की सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? श्रीलंका देश ने, श्रीलंका देश की सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। श्रीलंका ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है, यह जरूर याद रखें। मई 2023 में, लार्ज स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेस्सी, लियोनेल मेस्सी को। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेजी से 200 प्लस रन चेज करने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? मुंबई इंडियंस ने। मई 2023 में किस बंदरगाह प्राधिकरण को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? कोचीन बंदरगाह को, कोचीन बंदरगाह को। 11 मई 2023 को अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और यूके के बीच कहां आयोजित हुआ? सैलिसबरी फ्लैंस यूके में, सैलिसबरी फ्लैंस यूके में। फैशन ब्रांड गुच्ची ने किसे अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? आलिया भट्ट को। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया है? आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया है? यशस्वी जायसवाल ने, यशस्वी जायसवाल ने। मई 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के किस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? आंसर है इसका शांति निकेतन, आंसर इसका शांति निकेतन। दोस्तों जो ये आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज जो अर्धशतक बनाए हैं, यानी कि 50 रन जो बनाए हैं, वो यशस्वी जायसवाल ने बनाए हैं 13 गेंदों पर। आगे हमारे पास 55वां प्रश्न, द इंडियन मेट्रोपोलिस रिकंस्ट्रक्शनिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है इसका वरुण गांधी, वरुण गांधी। द इंडियन मेट्रोपोलिस रिकंस्ट्रक्शनिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वरुण गांधी। तो प्रश्न दोस्तों, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे दिया गया है? योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कि दूसरी बार बने हैं जिन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 दिया गया है, यह जरूर याद रखें। दोस्तों 57वां प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 11 मई को, आंसर है इसका 11 मई को। दोस्तों जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, इसका जो थीम है, इसका जो थीम था वो था स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ये इसका थीम था, ये आप जरूर याद रखें। 58वां प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? आंसर इसका हमारी नर्सें हमारा भविष्य, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। मई 2023 में सरकारी पैनल ने किस वर्ष तक डीजल फोर व्हीलर वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? वर्ष 2027 तक, वर्ष 2027 तक। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? परमिंदर चोपड़ा को। ट्विटर के नए सीईओ के रूप में मई 2023 में किसकी नियुक्ति हुई है? लिंडा यकरिनो को, लिंडा यकरिनो को। ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नियुक्ति की गई है लिंडा यकरिनो को। 13 मई 2023 को भारत का 82वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? आंसर है इसका गुपल्ला प्रणीत, जो कि तेलंगाना के हैं ये गुपल्ला प्रणीत, ये भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये आप जरूर याद रखें। और जो 81वें बने हैं वो सयातन दास आनंद बने हैं, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल के हैं, सयातन दास आनंद जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल के हैं, जो कि भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आइए हमारे पास प्रश्न है 63वां प्रश्न, मई 2023 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? आंसर इसका 13 मई को। 12 से 13 मई 2023 का छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ढाका बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश में छठा हिंद महासागर शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक 5वां ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजन कहाँ होगा? आंसर इसका तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में। मई 2023 में गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे मिला है? जयंत वी नार्लिकर को, जयंत वी नार्लिकर को। 14 मई 2023 को सीबीआई का अगला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? हरियाणा राज्य ने, हरियाणा राज्य ने। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन किया गया था, यानी कि जो मेजबानी थी वो देहरादून उत्तराखंड में की थी। जनवरी 2024 में वार्षिक आसियान पर्यटन मंच की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? आंसर है इसका लाओस, आंसर है इसका लाओस। 15 मई 2023 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? आशुतोष दीक्षित ने, आशुतोष दीक्षित ने।
2023 में मैट्रेस ब्रांड डूरोफ्लैक्स ने किसे अपना ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली को। 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक खेल गतका को शामिल करने की घोषणा की गई है? पंजाब राज्य। पंजाब राज्य का यह पारंपरिक खेल है गतका, जिसे 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने की घोषणा की गई है। दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल जो है ये गोवा में होंगे, गोवा में ये होंगे 37वें राष्ट्रीय खेल। आगे हमारे प्रश्न प्रश्न है 74वां प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज कुमार। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मनोज कुमार। 75वां प्रश्न है, खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने हेतु संचार साथी पोर्टल किस विभाग ने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग ने। दूरसंचार विभाग ने, आप जरूर याद रखें। शांति में एक साथ रहने का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 मई को। 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? मनोज सोनी। आंसर इसका मनोज सोनी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार जैन को। अनिल कुमार जैन को। मई 2023 में किस राज्य के मैनपुरी तारकाशी महोबा गोरा पत्थर शिल्प और संबल सिंह शिल्प को जीआई टैग मिला है? आंसर इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के हैं ये मैनपुरी तारकाशी महोबा गोरा पत्थर शिल्प और संबल सिंह शिल्प, जिसे जीआई टैग दिया गया है। मई 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन डी होनूर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन को। 17 मई 2023 को किस कंपनी के अध्यक्ष रहे श्री चंद परमानंद हिंदुजा का निधन हो गया है? हिंदुजा ग्रुप के थे ये अध्यक्ष, हिंदुजा ग्रुप कंपनी के अध्यक्ष रहे थे श्री चंद परमानंद हिंदुजा, इनका निधन हो गया है। 17 मई 2023 को 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर इसका दिल्ली में। आंसर इसका दिल्ली में। फ्रांस के कॉन्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर एल मुरुगन ने। डॉक्टर एल मुरुगन ने। 84वां प्रश्न दोस्तों, पेटीएम का नया अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? भावेश गुप्ता को। 18 मई 2023 को देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल, आप जरूर याद रखें। दोस्तों जितने भी देश के नए राज्यपाल बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, जो भी नई अपडेट के साथ है, वो मैंने अपने स्पीडी करंट अफेयर्स की वीडियो में डाला है, पेज नंबर 114 मैंने इसमें दिए हैं, तो उसमें आप ये सभी पढ़ सकते हैं। उसमें राज्यपाल भी आपको मिलेंगे, कंपनियों के अध्यक्ष चेयरमैन सीईओ सीएमडी आपको सभी मिलेंगे, बैंकों के अध्यक्ष भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन संस्थाएं जितने भी नए जो उनके बने हैं, जो नियुक्त किए गए हैं उन पर पदाधिकारी, वो आपको सभी मिलेंगे। तो आप उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, स्पीडी करंट अफेयर्स की मेरी वीडियो है, पेज नंबर 114 मैंने उसमें दिए हैं। आगे हमारे पास 86वां प्रश्न, 18 मई 2023 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सिद्धारमैया ने। मई 2023 में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किया गया है नरेंद्र मोदी ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है? 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शन 2023 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में किया गया? आंसर है इसका नई दिल्ली में। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास 90वां प्रश्न, मई 2023 में चक्रवात मोर्चा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? आंसर है इसका ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा। मई 2023 में चक्रवात मोर्चा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने अभियान चलाया है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा। जो मोर्चा जो चक्रवात है, इसका जो नामकरण है वो यमन देश ने किया था। यमन देश ने किया था। 91वां प्रश्न दोस्तों, मई 2023 में दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? आंसर है इसका 16 गोल्ड मेडल। भारत ने इसमें कुल 16 गोल्ड मेडल जीते। और इसके अलावा जो ये चैंपियनशिप है, ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित की गई थी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित की गई थी। 92वां प्रश्न दोस्तों, मई 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? एसपी सिंह बघेल को। एसपी सिंह बघेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मई 2023 में किस पर्वतारोही ने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में अपने प्रगति को मापने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में अपने प्रगति को मापने वाला पहला भारतीय शहर बना है भोपाल मध्य प्रदेश। मई 2023 में भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक कुल 570 मीटर लंबा और चौड़ाई 4.2 मीटर जिसकी है, उसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया?
आंसर है इसका तमिलनाडु में, आंसर है इसका तमिलनाडु में। 20 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? जापान के हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा शहर में। आरबीआई के निर्णय के अनुसार 2000 रुपये के नोट किस तारीख से चलन से बाहर हो जाएंगे? 30 सितंबर 2023 से, 30 सितंबर 2023 के बाद जो है ये 2000 रुपये के जो नोट हैं ये प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, 2000 रुपये के जो नोट जो है ये बंद कर दिए गए हैं 30 सितंबर 2023 के बाद ये चलन से बाहर हो जाएंगे। विश्व मधुमक्खी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, 20 मई को। 20 मई 2023 को किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर ने अपनी अर्ध आत्मकथात्मक पुस्तक घर से है अंडर ब्लड बाथ का विमोचन किया? अंशुमन गायकवाड़ ने, अंशुमन गायकवाड़ ने। द गोल्डन ईयर्स द मैन जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर्स द मैन जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वाघ शीर, INS वाघ शीर। 102 प्रश्न दोस्तों, 21 मई 2023 को इटालियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? डैनियल मद्वेदेव ने। इटालियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है डैनियल मद्वेदेव ने। भारत में प्रति वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? 21 मई को, 21 मई को। मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी? आंसर इसका गुजरात के द्वारका में, गुजरात के द्वारका में। 21 मई 2023 को भारत ने किस देश के साथ अल मोहम्मद अल हिंदी नौसेना अभ्यास शुरू किया? सऊदी अरब के साथ, भारत ने सऊदी अरब के साथ मई 2023 में अल मोहम्मद अल हिंदी नौसेना अभ्यास शुरू किया। भारतीय तैराकी महासंघ का अध्यक्ष मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? आर एन जय प्रकाश को, आर एन जय प्रकाश को। 22 मई 2023 को किन देशों ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया है? उपरोक्त सभी देशों ने, फिजी ने भी, पलाऊ ने भी और पापुआ न्यू गिनी ने भी। 22 मई 2023 को किस भाषा की फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता शरत बाबू का निधन हो गया है? तमिल भाषा की फिल्मों के अभिनेता थे ये शरत बाबू। 22 से 24 मई 2023 तक भारत की मेजबानी में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में हुई? श्रीनगर में, श्रीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इसका 22 मई को, आंसर इसका 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया गया है वर्ष 2023 में, और जो इसका थीम था वर्ष 2023 का वो था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, जिसका अर्थ है हिंदी में समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनः निर्माण, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनः निर्माण, ये इसका थीम था वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का। अब जरूर रखें कि 22 मई को मनाया जाता है। 111 प्रश्न दोस्तों, मई 2023 में अमेरिका ने किस देश के साथ टाइगर शार्क 14 नौसैन्य अभ्यास किया है? आंसर इसका बांग्लादेश के साथ, अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ टाइगर शार्क 14 नौसैन्य अभ्यास किया है, ये आप जरूर याद रखें। 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सौरभ गांगुली को, सौरभ गांगुली को। IPL के एक सीजन में 700 प्लस रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन है? शुभमान गिल। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं? बांग्लादेश को, बांग्लादेश को, आप जरूर याद रखें। 23 मई 2023 को करुमुत्ती टी कन्नन का निधन हो गया, वे क्या थे? उद्योगपति। 24 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर किसे चुना गया है? यूटी खादर को, यूटी खादर को। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण करने की घोषणा की है? ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन के, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण करने की घोषणा की है। ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के विजेता को कितनी इनामी राशि देने की घोषणा की है? 13.22 करोड़, 13.22 करोड़। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है इसका 24 मई को, 24 मई को। 120 प्रश्न दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इसको संपन्न करवाया गया था। 30 रो खेला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को, इसका जो मेजबानी की थी वो उत्तर प्रदेश राज्य ने की थी, और इसका जो शुभंकर था वो बारहसिंगा था जिसका नाम रखा गया था जीतू, एक बारहसिंगा था जिसका नाम रखा गया था जीतू, ये इसका शुभंकर था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में ओवरऑल जो चैंपियन रहा था वो पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था, जिसने कुल
पदक जीते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुल 69 पदक इसमें जीते थे। और दूसरे स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रही थी जिसने 68 पदक जीते थे। तो ये आप जरूर याद रखें कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में ओवरऑल चैंपियन रही थी, और ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। उसका शुभंकर था जीतू, जो कि एक बारहसिंगा था। आगे हमारे पास प्रश्न है दोस्तों, 121वां प्रश्न। 25 मई 2023 को शुरू हुई उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून को किस शहर से जोड़ती है? 25 मई 2023 को शुरू हुई उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून को, उत्तराखंड के देहरादून को किस शहर से जोड़ती है? आंसर है इसका दिल्ली। देहरादून से दिल्ली को ये जोड़ती है उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। दिल्ली से देहरादून के बीच अब ये चलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि उत्तराखंड की है। बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को उनके किस रचना हेतु अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है? आंसर है इसका टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव, जिनको उनकी रचना है ये टाइम शेल्टर, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। टाइम शेल्टर जर्मनी में मई 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में किस भारतीय एमआई सुपर कंप्यूटर ने 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया है? आंसर इसका एरावत। एरावत 26 मई 2023 को कर्नाटक बैंक ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? आंसर इसका श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को कर्नाटक बैंक ने अपना नया एमडी और सीईओ बनाया है, श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को। ग्रैंड शतरंज टूर के दूसरे चरण में सुपर बैट रैपिड एंड बिल्टर्स पोलैंड 2023 किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने। भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान ने किस क्षेत्र में सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास किया है? आंसर इसका राजस्थान और पंजाब दोनों क्षेत्रों में। राजस्थान और पंजाब दोनों क्षेत्रों में सुदर्शन शक्ति अभ्यास किया है। 27 मई 2023 को 57वां ज्ञानपीठ सम्मान किसे दिया गया है? दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो को। शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? आयरलैंड बना है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म को पाल्मे डी ओर अवार्ड दिया गया है? आंसर है इसका एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। आप जरूर याद रखें। 28 मई 2023 को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने। मैक्स वर्स्टापन ने। आईपीएल 2023 में किस टीम का हिस्सा रहे अंबाती रायडू ने संन्यास ले लिया है? चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स टीम का यह हिस्सा रहे थे अंबाती रायडू, जिन्होंने संन्यास ले लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया? 28 मई 2023 को। काठमांडू में आयोजित एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप किसने जीता है? आंसर है इसका भारत ने। आंसर है इसका भारत ने। 29 मई 2023 को माइंस मिनिस्ट्री ने किस संस्था के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन किया है? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी? न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस असम के गुवाहाटी को जोड़ेगी न्यू जलपाईगुड़ी से। मई 2023 में किस भारतीय उद्योगपति को कोप 28 के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? मुकेश अंबानी को। आंसर इसका मुकेश अंबानी को। 140वां प्रश्न है दोस्तों, 139वां प्रश्न है दोस्तों। 29 मई 2023 को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? बोला टिनिबू। बोला टिनिबू। एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला। रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला। एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला। 141वां प्रश्न दोस्तों, 30 अप्रैल 2023 को आईपीएल 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने। 30 अप्रैल 2023 को आईपीएल 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर यह खिताब जीता है। गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब जीता है। आइए हमारे पास 142वां प्रश्न, आईपीएल 2023 के संदर्भ में सपने हैं
आंसर इसका, उपरोक्त सभी जो कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं। ऑरेंज कप जो विजेता बने थे वो शुभमन गिल बने थे, पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी बने थे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने थे डेवन कॉनवे। तो उपरोक्त सभी जो कथन हैं वो दिए गए सत्य हैं। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हम 143 प्रश्न की तरफ। आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर किसे चुना गया है? आंसर इसका, यशस्वी जायसवाल को। आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर किसे चुना गया है? यशस्वी जायसवाल को। महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? सचिन तेंदुलकर को। 30 मई 2023 को भारत ने मार्च 2024 तक किस देश को $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया है? श्रीलंका को। 31 मई 2023 को उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक DGP किसे नियुक्त किया गया है? विजय कुमार को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इसका, 31 मई को। आंसर इसका 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, 31 मई को। 148वां प्रश्न दोस्तों, 31 मई 2023 को सेल का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका, अमरेंदु प्रकाश को। अमरेंदु प्रकाश को। दोस्तों जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, इसका जो वर्ष 2023 में थीम था वो था, हमें भोजन की आवश्यकता है तंबाकू की नहीं, हमें भोजन की आवश्यकता है तंबाकू की नहीं। ये आप इसकी जो थीम होती है ये भी आप याद रखा कीजिए, क्योंकि दिवस का जो तिथि है वो पूछने के साथ साथ कभी कभी जो है वो थीम भी पूछ ली जाती है, तो आप इसकी जो थीम भी है वो भी आप याद रखें। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है इसकी थीम थी, हमें भोजन की आवश्यकता है तंबाकू की नहीं। दोस्तों आगे बढ़ते हम 149वें प्रश्न की तरफ। 31 मई 2023 को किस देश की प्रसिद्ध लेखिका अम्मा अत्ता एडू का निधन हो गया? आंसर है इसका, घाना देश की। ये घाना देश की लेखिका थी अम्मा अत्ता एडू, जिनका निधन हो गया है मई 2023 में। 150वां प्रश्न है, वेद कुमारी घई का निधन हो गया, वे क्या थी? संस्कृत की विद्वान थी, संस्कृत विद्वान। दोस्तों अब हमारे पास शुरू हो रहे हैं जून 2023 के MCQ प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, 1 जून 2023 को भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन 2023 का कहां आयोजित हुआ है? आंसर है इसका, मेघालय राज्य में। 1 जून 2023 को भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन जो है ये आयोजित हुआ है मेघालय राज्य में, आप जरूर याद रखें। दूसरा प्रश्न दोस्तों, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय यादव को। किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? महाराष्ट्र राज्य ने, महाराष्ट्र राज्य ने। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर इसका, गाजियाबाद में। आंसर इसका, गाजियाबाद में। डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइट का विमोचन किसने किया है? डॉक्टर शशि थरूर ने, डॉक्टर शशि थरूर ने। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सेलेस्ते साउलो को, सेलेस्ते साउलो को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनाया गया है सेलेस्ते साउलो को। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर रेलवे ने, उत्तर रेलवे ने। 8वां प्रश्न दोस्तों, जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? भारत ने। आंसर इसका, भारत ने। भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है जून 2023 में। NCC कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली देश की पहली महिला कौन है? शालिनी सिंह, शालिनी सिंह। 10वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को, जनार्दन प्रसाद को। 3 जून 2023 को अमीर राजा हुसैन का निधन हो गया, वे क्या थे? अभिनेता थे, अभिनेता थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अहिल्याबाई होलकर नगर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस को, डेनिस फ्रांसिस को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को। 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई? अजय लांबा, अजय लांबा की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा की जांच हेतु समिति जो है वो गठित की गई, आप जरूर याद रखें। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को। वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? UAE ने। वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की जो मेजबानी है वो UAE द्वारा की जाएगी। 4 जून 2023 को स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने, मैक्स वर्स्टापन ने। 18वां प्रश्न दोस्तों,
4 जून 2023 को सुलोचना लाटकर का निधन हो गया, वे क्या थी अभिनेत्री। 5 जून 2023 को किस भाषा की फिल्मों के अभिनेता कोल्लम सुधी का निधन हो गया, मलयालम। 20वां प्रश्न दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान 5 जून को जो है प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और वर्ष 2023 में इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 5 जून को महाभारत के किस किरदार के अभिनेता गुम्फी पटेल का निधन हो गया, शकुनी मामा। जो गुम्फी पटेल है इन्होंने शकुनी मामा का किरदार निभाया था और इनका जो निधन है वो जून में हो गया है। जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सूरीनाम। सूरीनाम देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। जून 2023 में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है, श्रीलंका के लिए। किस देश के फुटबॉलर जलाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, आंसर इसका स्वीडन। जून 2023 में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना, पंजाब यूनिवर्सिटी, आंसर इसका पंजाब यूनिवर्सिटी। चक्रवात बिपरजॉय जिसका अर्थ है खुशी, इसका नामकरण किस देश ने किया, आंसर इसका बांग्लादेश। जो मोचा चक्रवात था उसका नामकरण जो है वो यमन देश ने किया था। मोचा चक्रवात का जो नामकरण है वो यमन देश ने किया था, और जो बिपरजॉय तूफान है इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। आगे हमारे पास प्रश्न है 27वां प्रश्न, एस टर्टल ओमनी कंपनी ने अपने रेगुलर ब्रांड का एम्बेसडर किसे बनाया है, आंसर इसका स्मृति मंधाना को। यना में आयोजित FIBA 3x3 विश्व कप 2023 पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है, सर्बिया ने। 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र के नए अस्थाई देशों में कौन शामिल नहीं है, 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र के नए अस्थाई देशों में कौन शामिल नहीं है, आंसर इसका अर्जेंटीना। जो नहीं शामिल किया गया है वो अर्जेंटीना है, और ये सभी शामिल किए गए हैं जिसमें है अल्जीरिया, सीरिया लियोन, गुयाना और स्लोवेनिया और कोरिया गणराज्य। इन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र के नए अस्थायी देशों में शामिल किया गया है जो 1 जनवरी 2024 से इसके सदस्य बनेंगे। आगे हमारे पास है 30वां प्रश्न, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले किस राज्य के पहले व्यक्ति अल्बी डी क्रूज का निधन हो गया है, केरल राज्य के। जून 2023 में किस राज्य ने दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है, उत्तर प्रदेश, आंसर इसका उत्तर प्रदेश। 7 जून को किस कंपनी के सीईओ इवान मैनेजर्स का निधन हो गया है, डीआरडीओ, आंसर इसका डीआरडीओ। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड हेतु नामित किया गया है, जयता गुप्ता। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड हेतु नामित किया गया है, ज्वाइता गुप्ता। यह जरूर याद रखें दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 34वां प्रश्न, किस राज्य ने सीएम सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है, मध्य प्रदेश राज्य ने सीएम सीखो और कमाओ योजना शुरू की है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, आंसर है इसका 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को। दोस्तों जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है ये वर्ष 2019 से मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और वर्ष 2023 में जो इसका थीम था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का वो था खाद्य मानक जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये इसका थीम था वर्ष 2023 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का। अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँ तो फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स होगा। खाद्य मानक जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। 36वां प्रश्न दोस्तों, द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर है इसका बी के सिवानी। द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, बी के सिवानी। जून 2023 में राष्ट्रीय प्रत्यनन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल कौन बन गया है, एम्स नागपुर। ये आप जरूर याद रखें। नालंदा नामक पुस्तक के लेखक हैं अभय के। दोस्तों 39वां प्रश्न है,
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर है इसका ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड दोस्तों, जो ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है ये इंग्लैंड में आयोजित की गई थी, इंग्लैंड में ये आयोजित की गई थी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 हेतु, और जो इसमें विजेता बना था वो ऑस्ट्रेलिया बना था, विजेता जो बना था वो ऑस्ट्रेलिया बना था, और जो इसमें उपविजेता रहा था वो रहा था भारत। भारत जो था वो इसमें उपविजेता रहा था, विजेता जो रहा था वो ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता इसमें भारत। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं ट्रेविस हेड, और जो दूसरे बने हैं वो स्टीव स्मिथ बने हैं, दूसरे जो खिलाड़ी बने हैं वो स्टीव स्मिथ बने हैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक बनाने वाले, ट्रेविस हेड और दूसरे हैं स्टीव स्मिथ। और इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में, इसकी मेजबानी की थी इंग्लैंड में, इसमें विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता रहा था भारत, तो ये आप जरूर याद रखें। 40वां प्रश्न है, 7 जून 2023 को भारत ने किस तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ओडिशा के तट से। किस न्यूज चैनल की भारत की पहली अंग्रेजी समाचार प्रस्तुतकर्ता महिला गीतांजलि अय्यर का 7 जून 2023 को निधन हो गया? दूरदर्शन। दूरदर्शन, दूरदर्शन न्यूज चैनल की भारत की पहली अंग्रेजी समाचार प्रस्तुतकर्ता महिला थी गीतांजलि अय्यर, जिनका 7 जून 2023 को निधन हो गया है। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। और जो पहला विश्व महासागर दिवस मनाया गया था दोस्तों, वो मनाया गया था वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में पहला जो मनाया गया था वो वर्ष 2009 में मनाया गया था। और मैं बता देता हूँ साथ के साथ आपको कि जो वर्ष 2023 का जो इसका थीम है विश्व महासागर दिवस का, वो है प्लेनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग। प्लेनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग, यानी कि महासागर ग्रह लहरें बदल रही है, महासागर ग्रह लहरें बदल रही है। प्लेनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग, ये इसका थीम था, इसका विषय था विश्व महासागर दिवस का, जो कि मनाया जाता है 8 जून को, ये आप जरूर याद रखें। और पहला मनाया गया था वर्ष 2009 में। 43वां प्रश्न दोस्तों, किस राज्य ने प्रदूषण स्तर को कम करने हेतु सुधा वायु नामक एयर प्यूरिफायर बसें लॉन्च की हैं? पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य ने प्रदूषण स्तर को कम करने हेतु सुधा वायु नामक एयर प्यूरिफायर बसें लॉन्च की है? पश्चिम बंगाल ने। जून 2023 में किस देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किस कंपनी को दिया गया है? आंसर इसका टाटा ग्रुप को, टाटा ग्रुप को। 45वां प्रश्न दोस्तों, अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया? आंसर है इसका 19। भारत ने इसमें कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें भारत के जो गोल्ड मेडल रहे थे वो कुल 6 रहे थे, और जो रजत पदक रहे थे वो 7 रहे थे, और जो ब्रॉन्ज रहे थे, जो कांस्य पदक रहे थे, वो रहे थे 6। यानी कि 6 गोल्ड मेडल और 6 इसमें कांस्य और 7 इसमें रजत पदक रहे थे, और कुल जो है इसमें 19 पदक भारत ने जीते थे अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में। और पहले स्थान पर जो है इसमें जापान रहा था, पहले स्थान पर जो इसमें रहा था वो जापान रहा था। जापान ने इसमें कुल 23 पदक जीते थे, जापान ने 23 पदक जीते थे। और दूसरे स्थान पर चीन रहा, जिसने कुल 19 पदक जीते थे। चीन ने भी इसमें कुल 19 पदक ही जीते थे और भारत ने भी 19 पदक ही जीते थे, परंतु चीन के जो गोल्ड थे वो थे 11। चीन के जो गोल्ड थे इसमें वो थे 11, और भारत के केवल 6 गोल्ड इसमें थे। तो इसलिए जो दूसरे स्थान जो है इसमें चीन को दिया गया और तीसरा स्थान इसमें भारत ने प्राप्त किया। और ये जो है ये दक्षिण कोरिया के इंचियोन में हुआ था जून 2023 में। इसकी जो मेजबानी की थी वो दक्षिण कोरिया ने की थी, दक्षिण कोरिया के इंचियोन में ये किया गया था आयु अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप, ये आप जरूर याद रखें। 46वां प्रश्न दोस्तों, 9 जून को आईकार ने किसानों को सशक्त बनाने हेतु किसके साथ समझौता किया है? आंसर है इसका अमेजन किसान, आंसर है इसका अमेजन किसान। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता, शांतनु गुप्ता। सेंटर साइंस एनवायरमेंट रिपोर्ट 2023 में समग्र पर्यावरण प्रदर्शन में शीर्ष राज्य है? तेलंगाना राज्य। सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट रिपोर्ट 2023 में समग्र पर्यावरण प्रदर्शन में शीर्ष राज्य है? तेलंगाना राज्य। 49वां प्रश्न है, जून 2023 में एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रश्मिका मंदाना को। 10 जून 2023 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वीटेक ने, ईगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीता है, ईगा स्वीटेक ने। 71वां मिस वर्ल्ड पेज 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा। 71वां मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा, ये आप जरूर याद रखें। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 6 गुना बढ़कर 1,00,000 करोड़ डॉलर हो जाएगी? आंसर इसका वर्ष 2023, वर्ष 2023। जून 2023 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार सिंह को, सुबोध कुमार सिंह को। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA का महानिदेशक चुना गया है सुबोध कुमार सिंह को।
यूआईडीएआई का सीईओ किसे नामित किया गया है? अमित अग्रवाल को। अमित अग्रवाल को 11 जून 2023 को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 11 जून 2023 को महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत देश ने। 11 जून 2023 को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। और जो इसमें उपविजेता रहा था वो भारत रहा था, उपविजेता जो रहा था वो इसमें भारत रहा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। 11 जून 2023 को आईसीसी की सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बन गई है? ऑस्ट्रेलिया। 11 जून 2023 को आईसीसी की सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों 59वां प्रश्न है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? विराट कोहली के नाम। भारत में किस देश की सेना के साथ 12वां एक्वेरियन सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? मालदीव। भारत और मालदीव के बीच 12वां एक्वेरियन सैन्य अभ्यास किया गया है। किस देश ने इटली को हराकर पहली बार अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीता है? आंसर इसका उरुग्वे। किस देश ने इटली को हराकर पहली बार अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीता है? उरुग्वे देश ने, यानी कि उरुग्वे देश जो है वो इसमें विजेता रहा, इटली इसमें उपविजेता रहा। 12 जून 2023 को एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहां हुआ? आंसर इसका जर्मनी। बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल को। 12 जून 2023 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया है? इटली। जून 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान 20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? गोवा राज्य में। जून 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान 20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? गोवा राज्य में। जून 2023 में जारी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 शीर्ष कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान क्या है? 45वां स्थान दिया गया है इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को, ग्लोबल फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 शीर्ष कंपनियों की सूची में 45वां स्थान। जून 2023 में किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं हेतु ₹10,000 मासिक पेंशन की घोषणा की है? हरियाणा राज्य ने। 13 जून 2023 को स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में शुरू हुआ है? चेन्नई तमिलनाडु में। दोस्तों जो स्क्वैश विश्व कप है जो कि 2023 में इसका आयोजन हुआ है, इसमें जो विजेता देश रहा था वो मिस्र रहा था। विजेता जो देश बना था वो इसमें मिस्र बना था, और जो इसमें उपविजेता रहा था वो मलेशिया रहा था, उपविजेता जो रहा था वो मलेशिया रहा था, उपविजेता जो रहा वो मलेशिया रहा, और जो विजेता रहा वो आपका मिस्र इसमें रहा स्क्वैश विश्व कप 2023 में। और तीसरे स्थान पर इस पर भारत और जापान जो थे वो संयुक्त रूप से रहते स्क्वैश विश्व कप 2023 में, तो ये आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2023 में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का पूर्ण उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राजस्थान राज्य में। जून 2023 में अमेरिकी श्रम विभाग ने किसे इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 दिया है? ललिता नटराजन को। 13 जून 2023 को पुलित्ज़र विजेता किस देश के लेखक कार्मेक मेकार्थी का निधन हो गया है? अमेरिका। आंसर है इसका अमेरिका। 14 जून 2023 को किस राज्य में पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया है जून 2023 में। दोस्तों 73वां प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस जो मनाया गया है वर्ष 2023 में वो इसका 20वां एडिशन था। और 2023 में जो इसका विषय था वो था गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन, यानी के रक्त दे प्लाज्मा दे जीवन बांटो बार बार बांटो, ये इसका थीम था। जून 2023 में जारी कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स की रैंकिंग में 53 शहरों में सबसे अनुकूल शहर है टोरंटो कनाडा का। 14 जून 2023 को किस देश के कैपिटल हिल में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? अमेरिका में। NHPC इंडिया लिमिटेड का कार्मिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम लाल को। 15 जून 2023 को अरब सागर में उत्पन्न सबसे लंबी अवधि का चक्रवात कौन बन गया है? विपर जॉय जो ये नामकरण है ये बांग्लादेश ने दिया था। जून 2023 में रिलायंस रिटेल के ब्यूटी रिटेल वेंचर तीरा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उपरोक्त सभी को, सुहाना खान को भी, करीना कपूर को भी और कियारा आडवाणी को भी, उपरोक्त सभी को। 16 जून 2023 को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम
क्या कर दिया गया है? पीएम मेमोरियल म्यूजिकल एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, पीएम मेमोरियल म्यूजिकल एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। मास्टर रेसिडेंशियल रियल इस्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अश्विंदर आर सिंह, अश्विंदर आर सिंह। रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम पुस्तक के लेखक हेतु एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? रामचंद्र गुहा को, रामचंद्र गुहा को, आप जरूर याद रखें। रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा, जिन्हें एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 दिया गया है, आप जरूर याद रखें। 82वां प्रश्न है दोस्तों, ए लाइफ वेल स्पेंड फॉर रिकॉर्ड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सतीश चंद्र, सतीश चंद्र। दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। आगे हमारे पास 83वां प्रश्न, 16 जून 2023 को किस देश के सैन्य विश्लेषक डैनियल एल्सबर्ग का निधन हो गया? आंसर इसका अमेरिका। जून 2023 में मलेशिया को हराकर SDATWSF स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? आंसर इसका मिस्र, आंसर इसका मिस्र। दोस्तों ये प्रश्न अभी पीछे भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वैश विश्व कप 2023 जो है ये मिस्र ने जीता था मलेशिया को हराकर, मलेशिया देश को हराकर, और इसका जो आयोजन है ये चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था, चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था जून 2023 में, और इसका विजेता रहा था मिस्र। आगे हमारे पास प्रश्न 85वां, 17 जून 2023 को G20 के अंतर्गत 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? आंसर इसका भोपाल, मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जल संरक्षण के प्रति शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जल संरक्षण के प्रति शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। 18 जून 2023 को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को। लेबनान को हराकर किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? आंसर इसका भारत, भारत ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप जो है वो जीत लिया है वर्ष 2023 में, भारत ने हराया है लेबनान देश को। रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग रा के नए प्रमुख को नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने पदभार संभाला है 1 जुलाई 2023 से, रवि सिन्हा। 18 जून 2023 को राकेश मास्टर के नाम से मशहूर SM रामा राव का निधन हो गया, वे क्या थे? कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर एस रामा राव जो थे वो कोरियोग्राफर थे। जर्मन पीस प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को, सलमान रुश्दी को। किस ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ मैक्स वेरस्टापन ने अपनी 24वीं रेस जीत ली है? कनाडियन, कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स के साथ जो है मैक्स वेरस्टापन ने अपनी 24वीं रेस जीत ली है, यह जरूर याद रखें। 19 जून 2023 को भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्बेट INS कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम को। 19 जून 2023 को भारत ने वियतनाम को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्बेट INS कृपाण उपहार में दिया है, यह जरूर याद रखें। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गोवा राज्य में, गोवा राज्य में। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा गोवा राज्य में। 20 जून 2023 को G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? पुणे महाराष्ट्र में। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 97वां प्रश्न दोस्तों, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? एस्टोनिया, आंसर इसका एस्टोनिया। बीपीएल कार्ड धारकों को 10 किलो चावल की गारंटी वाली किस राज्य की अन्न भाग्य योजना चावल की कमी के कारण बाधित हो गई? कर्नाटक राज्य, आंसर इसका कर्नाटक राज्य। 99वां प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय क्या है? वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और वर्ष 2023 में इसका थीम था वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, आप जरूर याद रखें। आगे हमारे पास 16वां प्रश्न है दोस्तों, जून 2023 में अरुंधति राय को किस निबंध रचना हेतु 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आजादी, अरुंधति राय को किस निबंध रचना हेतु 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका आजादी। 22 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022 और 23 हेतु कुल कितने विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर इसका 30, आंसर इसका 30। जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कहाँ किया? कोच्चि में।
जून 2023 में किस देश ने अपनी इस्लामिक पहचान बचाने हेतु देश के शैक्षणिक संस्थानों में होली और अन्य हिंदू त्योहारों के उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? वियना ऑस्ट्रिया का। वियना ऑस्ट्रिया का। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? शाई हो। शाई हो। 106 प्रश्न दोस्तों, हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किस राज्य ने जीता है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने। और ये 13वां इसका एडिशन था, 13वां एडिशन था हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023, इसका 13वां एडिशन था और ये जीता है मध्य प्रदेश राज्य ने। और इसका जो उपविजेता रहा था दोस्तों वो चंडीगढ़ रहा था, उपविजेता जो बना था वो इसका चंडीगढ़ बना था, यानी कि मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा कर हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। आगे हमारे पास प्रश्न है 107वां प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 127वीं। किस प्राधिकरण ने नॉलेज और नए आइडिया को साझा करने हेतु नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? NHAI। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस देश के साथ इंडस एक्स नामक एक नई रक्षा पहल शुरू की है? अमेरिका के साथ। भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। आंसर इसका तेलंगाना में। भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना राज्य में। 23 जून 2023 को टी मार्क्समैन ने किस कंपनी को मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 के रूप में मान्यता दी है? NTPC को। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947-77 नामक पुस्तक के लेखक हैं AK भट्टाचार्य। AK भट्टाचार्य। किस कंपनी ने अपनी स्थापना दिवस के अवसर पर 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को सम्मानित करते हुए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप कंपनी ने अपनी स्थापना दिवस के अवसर पर 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को सम्मानित करते हुए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? जीतेंगे हम। 24 जून 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? श्रीनगर में। श्रीनगर में। 115 प्रश्न दोस्तों, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? आंसर है इसका 40वीं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 40वीं और जो इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है वो डेनमार्क ने हासिल किया है। शीर्ष स्थान पर जो इसने जो रहा है देश वो रहा है डेनमार्क और दूसरे स्थान पर रहा है आयरलैंड। दूसरे स्थान पर रहा है आयरलैंड। आयरलैंड और डेनमार्क रहा है इसमें पहले स्थान पर। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क और दूसरे स्थान पर रहा है आयरलैंड और भारत की जो रैंक है वो इसमें 40वीं है। भारत की जो रैंक है वो इसमें 40वीं है। किस भारतीय गायक संगीतकार को बर्मिंघम यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? शंकर महादेवन को। शंकर महादेवन को। 25 जून 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? आंसर इसका मिस्र। मिस्र की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने किस मस्जिद की यात्रा की? अल हकी। वनडे क्रिकेट में लगातार 3 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बने हैं? वानिंदु हसरंगा। वानिंदु हसरंगा। 120वां प्रश्न दोस्तों, 26 जून 2023 को हिंदुस्तान यूनिलीवर का नया MD और CEO किसे चुना गया है? रोहित जावा को। रोहित जावा को। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 121वां प्रश्न, 26 जून 2023 को किस राजनीतिक दल के नेता हरिद्वार दुबे का निधन हो गया है? बीजेपी। बीजेपी। पशु चिकित्सा और टीकों के लिए नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? नंदी पोर्टल। नंदी पोर्टल। 27 जून 2023 को जारी ICC वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच किस स्टेडियम में प्रस्तावित है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 124वां प्रश्न दोस्तों, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 67वीं। 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 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 67वीं और जो इसमें शीर्ष पर स्थान रहा है वो स्वीडन रहा है। स्वीडन रहा है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। CBI का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर को। CBI का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर को। रूस की किस
प्राइवेट आर्मी ग्रुप ने रूस की सरकार के खिलाफ बगावत किया है। वैगनर ग्रुप ने रूस की किस प्राइवेट आर्मी ग्रुप ने रूस की सरकार के खिलाफ बगावत की है? वैगनर ग्रुप ने 28 जून को जलीय कृषि उद्योग में रोग रिपोर्टिंग और निगरानी बढ़ाने हेतु किस मंत्रालय ने रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च किया है? पशुपालन, आंसर होगा इसका पशुपालन मंत्रालय ने। 29 जून 2023 को दिव्य कला मेला कहां शुरू हुआ है? जयपुर राजस्थान में। 29 जून 2023 को दिव्य कला मेला कहां शुरू हुआ है? जयपुर राजस्थान में। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? रूपा पाई। 1 जुलाई 2023 को किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कब हुआ? 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कब हुआ? 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को। 2 जुलाई 2023 को अक्षय रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने। अक्षय रिवर क्रूज का शुभारंभ किया अमित शाह ने। अक्षय रिवर क्रूज जो है वो एक फ्लोटिंग रेस्तरा है। अक्षय जो रिवर क्रूज है ये एक फ्लोटिंग रेस्तरा है, यानी कि पानी में तैरने वाला एक रेस्तरा है अक्षय रिवर क्रूज, जिसका जो उद्घाटन किया है 2 जुलाई 2023 को अमित शाह ने किया है। 133वां प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे अशांत देश कौन सा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे अशांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 134वां प्रश्न एमसीक्यू प्रश्नों में। 3 जुलाई 2023 को आषाढ़ पूर्णिमा उत्सव को धर्मचक्र परिवर्तन दिवस के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने कहां मनाया है? नई दिल्ली में। 3 जुलाई 2023 को आषाढ़ पूर्णिमा उत्सव को धर्मचक्र परिवर्तन दिवस के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने कहां मनाया है? नई दिल्ली में। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ रुकमणि करंट अफेयर्स बुक के नए एडिशन में दिए गए 600 एमसीक्यू प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।